नारायणपुर में माओवादियों को विस्फोटक सामग्री उपलब्ध कराने वाले एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 208 किलोग्राम पोटेशियम नाइट्रेट भी बरामद किया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि तारागांव में सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है और इसके माध्यम से माओवादियों का सप्लाई नेटवर्क तोड़ने में उन्हें बड़ी सफलता मिली है। पहले 19 तारीख को हमें मुखबिर से एक सूचना मिली थी कि धौड़ाई थाना क्षेत्र में तारागांव एक गांव है, वहां पे कुछ संदिग्ध सामान पड़ा है और ऐसी संभावना जताई थी कि नक्सलियों का सामान कोई एक कैरियर है, कुरियर है, जो लेकर आया है और वो आगे कहीं लेकर जाने वाला है। तो इस पर पुलिस की टीम, एक ही टीम वहाँ गई थी, इसने सामान को देखा था। बाद में सही समय पर जब जो कुरियर था वहाँ पर आया और सामान को लोड करके आगे ले जाने की कोशिश कर रहा था, तब पुलिस ने कॉर्डन लगा के उसे पकड़ा है और पूछताछ की है। पूछताछ में पता चला है कि उसमें 7 पोटली में बांधकर लगभग 208 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ है, जिसका भविष्य में इस्तेमाल नक्सलियों के द्वारा सुरक्षा बलों को टारगेट करते हुए बम बनाने में किया जाने वाला था और वो एक कुरियर था जो ये सप्लाई कर रहा था। उन्होंने बताया कि घूम घूम कर ताबीज और जड़ी बूटी बेचने के नाम पर ये दंपत्ति लंबे समय से माओवादियों को हथियार मुहैया करा रही थी।